फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिशा एंड वेलकम टू माई चैनल ज्वाइन विद दिशा। तो आज मैं बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही यूनिक सा कुछ अलग बनाने जा रही हूँ, जिससे मैंने बनाया है एक टायर की मदद से। मेरी एक कार का टायर जो ख़राब हो चुका था, मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसी से कुछ बनाया जाए, तो मैंने इसे टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो मेरा इस वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें और मैंने इसे कैसे बनाया है आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे टायर लिया है जो कि ये बहुत ही ख़राब हो चुका था, तो हमें बदलना पड़ा, इसीलिए इसको मैंने घर पे ऐसे ही रख दिया। तो मैंने यहाँ पे हार्डवेयर में से इस टाइप की कुछ रस्सी मिल रही थी, तो मैं सोचा कि चलो इसी का इस्तेमाल करके मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। वैसे चाहे तो आप इसके ऊपर स्प्रे पेंट से भी पेंट कर सकते हैं, लेकिन रस्सी से इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा, इसीलिए आप इसमें रस्सी भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर के लिए, इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल होती है, मुझे लगा मैं इसको बाहर रखने वाली हूँ इसीलिए कुछ कलरफुल सा बनाया जाए। तो मैं इसे पूरा राउंड राउंड करके इसको लपेट दिया है, ग्लू गन की मदद से इसे लपेटा है। तो ग्लू गन से बहुत ही जल्दी सी और चिपक जाता भी है और बहुत ही अच्छे से भी फिटिंग उसकी फिनिशिंग आती है। फ्रेंड्स, ग्लू गन का इस्तेमाल हमें बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गर्म होती है, इसलिए हाथ जलने का भी चांसेस रहता है। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर ये नीचे इसके व्हील लगाने वाली हूँ। इसे उल्टा कर दिया है और चार व्हील लिए हैं मैंने, उसे मैंने पहले कहाँ पे लगाना है ये मार्क कर देना है और उसके बाद स्क्रू और बॉल की मदद से इसे फिट कर देना है। इस तरह का जो व्हील्स है वो आपको इजीली हार्डवेयर में मिल जाता है, मैंने तो इसे ऑनलाइन परचेज किया था। अब मैं इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से हॉल करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल काम था लेकिन नामुमकिन नहीं था, तो मैंने इसे बहुत ही मेहनत से इसमें हॉल कर दिया है और उसके बाद एक बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर लिया, उसमें दोबारा इसे हॉल किया ताकि मेरा जो स्क्रू है वो इजीली इसमें फिट हो जाए। तो मेरे चारों व्हील लग चुके हैं। इसे सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली रोल हो रहा है, पूरा टेबल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसे उठाना नहीं पड़ेगा। अब जो अंदर का ब्लैक कलर का पार्ट है उसे मैंने कवर करने के लिए पहले यहाँ पे स्प्रे यूज़ किया था गोल्डन कलर का, लेकिन वो कम पड़ गया और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये एक्रिलिक कलर का पेंट। तो आप चाहे तो एशियन पेंट का रेड कलर जो आता है उसको भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कलर पूरा जो ब्लैक का पार्ट दिख रहा था उससे कवर करने के लिए इसे पेंट कर दिया है। अब जब तक ये सूख रहा है तब तक इस प्लेट को मैं अंदर फिट करने वाली हूँ, वो फर्दर डेकोरेशन के लिए। अगर आप चाहे तो इसे ना भी रखें, ऐसा ही रख सकते हैं। तो इस प्लेट को मैंने येलो कलर से पेंट कर दिया है ताकि मेरी रस्सी से जो मैचिंग है वो बहुत ही अच्छी सी आए। तो इसे पूरा मैंने एक बार पहले सिंगल कोट दिया, उसके बाद उसके ऊपर डबल कोट लगा दिया है ताकि जो कलर है वो एकदम ब्राइट लगे और रस्सी से मैच भी हो जाए। अगर आप चाहे तो इसे अगर ना रखें तो ऐसा ही खुला छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे अंदर डेकोरेशन के लिए इसे यूज़ किया है। ये आपको किसी भी इजीली मार्केट में भी मिल जाती है, बहुत सारे बर्तन की जो दुकानें होती है वहाँ पर मैंने प्लास्टिक की ये जो थी वो मिल गई थी मुझे। तो अब इसके अंदर मैं ये डेकोरेशन के लिए कुछ सामान इस्तेमाल करने वाली हूँ। पहले इसे मैं अच्छे से ग्लू गन की मदद से सिक्योर कर दूँगी ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। तो आप चाहे तो इसे रख सकते हैं, ना चाहे तो अपनी मर्ज़ी है।
तो अब इसके डेकोरेशन के लिए मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ स्टोन्स लगा दिए, उसके बीच में फ्लावर लगा दिए ताकि ये अच्छे लगे और चमकने लगे। इसके ऊपर मैं कांच लगाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसे इस्तेमाल किया है। इस टाइप के जो पत्थर आते हैं कलरफुल वाले, इजीली आपको नर्सरी वाले की दुकान पर भी मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही आपने अकॉर्डिंग इसे डेकोरेशन कर लिया है, आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर लीजिए। और इसके बाद जो ये काला पार्ट बचा था उससे मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया है, क्योंकि मैं अंदर भी रेड किया था और येलो के साथ रेड कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसे रेड कलर से पूरा कवर कर लिया है। तो अब जब तक ये पूरा सूख जाए उसके बाद में आपने जो कांच है, ये कांच की दुकान पे मैंने इसे अपने शेप में इसे कट करवा के बनवाया है, तो इसके ऊपर आसानी से लग जाता है। मैंने इसे ऐसे ही रखा है, आप चाहे तो इसे ग्लू गन की मदद से चिपका भी सकते हैं। तो अब मेरा टेबल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही यूनिक लग रहा है। अगर मेरा ये आइडिया आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कॉमेंट ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।